बीती 1 मई को चंडीगढ़ के एक डायमंड शोरूम में हुई 14 करोड़ रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। यह खुलासा चंडीगढ़ के एसएसपी सुखचैन सिंह गिल ने पुलिस हेडक्वार्टर में की गई एक प्रेस वार्ता के दौरान किया, जहां उन्होंने बताया कि यह कोई लूट का मामला नहीं बल्कि इंश्योरेंस के 10 करोड़ रुपए हथियाने के लिए सोची समझी साजिश थी, जिसे शोरूम के मालिक विनोद कुमार और उसके भाई ने रचा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले के एक आरोपी विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है। एसएसपी ने यह भी बताया कि यह चोरी 14 करोड़ रुपए की थी ही नहीं, क्योंकि जब शोरूम में यह लूट हुई उस समय वहां सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ रुपए का ही सामान था। पुलिस ने इस लूट के दौरान चोरी हुए जेवर भी बरामद किए हैं, जो कि इन लोगों ने शेखर और कुलवंत नाम के 2 ज्वेलर्स के पास रखे हुए थे। पुलिस का दावा है कि इस लूट की साजिश में शामिल 2 युवक और एक लड़की जिन्होंने यह चोरी का नाटक किया था, उन्हें भी पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तार कर लेगी। चंडीगढ़ से हलचल के लिए अमित सेठ की रिपोर्ट। इसमें जो रॉबरी हुई थी फर्स्ट मई को फॉरएवर ज्वेलर्स में, उसमें हमने जितनी इन्वेस्टिगेशन अब तक की है उसमें यही बात सामने आई है कि जो ओनर हैं, 2 ओनर हैं इस शॉप के, रजनीश वर्मा और विनोद वर्मा, तो इन्होंने खुद ही स्टेज मैनेज की थी सारी रॉबरी। इसमें बहुत सारे हमारे पास एविडेंसीज ऐसे आए जिनसे ये बात सामने आई है, तो अभी हमने इसमें विनोद वर्मा है उनको आज हमने अरेस्ट किया है, आज हमारी पुलिस पार्टी ने, और अभी हम इंटरोगेशन करके और पता लगाएंगे कि कौन कौन लोग थे, कहां से लेके आए थे।